भाई एक बात तो श्योर है कि अगर कोई एक बार बंदा हुंडई की गाड़ी चला देता है तो दूसरी किसी गाड़ी पे वो हाथ नहीं रखता है, क्योंकि हुंडई एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कंफर्ट के मामले में और स्मूथनेस के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम प्रमोद है और ये जो मैं आज गाड़ी लेके आया हूँ ये है हुंडई की i20। और जब हुंडई की i20 की बात आती है तो वो एक स्पोर्ट्स कार में नजर आती है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इसमें CNG का इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होता भी है तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है हुंडई की i20, इसमें हमने आज से 3 साल पहले CNG का इंस्टॉलेशन किया था। आज इस गाड़ी को पूरे 3 साल हो चुके हैं और गाड़ी का 3 साल के बाद आपको पता है कि सिलेंडर्स का हाइड्रो टेस्ट कराना होता है, तो उस वजह से हमारे पास ये गाड़ी आई है। तो मुझे लगा कि आपके सामने क्यों ना एक वीडियो शेयर किया जाए कि हुंडई i20 में कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है, कैसा पिकअप आता है, कैसी माइलेज निकल के आती है, क्योंकि कंपनी से हुंडई i20 के अंदर CNG किट लग के नहीं आती है। तो अगर हम इस गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं, जो भी हुंडई लवर्स हैं जो हुंडई को ड्राइव करते हैं वो अपना दिल पे पत्थर रख के इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, क्योंकि माइलेज बिल्कुल नहीं आती इन गाड़ियों की। आप किसी भी हुंडई की गाड़ी को पकड़ लीजिए, 10 से 12 के बीच में वैरी करती है माइलेज। तो इस गाड़ी के अंदर जब हमने किट का इंस्टॉलेशन किया था तो सिक्वेंशियल किट हमने इसमें इंस्टॉल की थी, क्योंकि मोस्टली हुंडई में हम सिक्वेंशियल ही यूज़ करते हैं और आज की डेट में तो क्या सिक्वेंशियल ही करना चाहिए। ब्रांड बहुत मैटर नहीं करता है कि ब्रांड इसमें कौन सा लगाया था, वैसे ही हमने इसके अंदर BRC इंस्टॉल किया था। आप कोई भी ब्रांड पे जा सकते हैं, ब्रांड मैटर नहीं करता है। आपने जो गाड़ी के अंदर काम किया है, जो कैलिब्रेशन डाली है गाड़ी के अंदर, जो सिस्टम से कैलिब्रेट किया है इसको, वो मैटर करता है। चार सिलेंडर की गाड़ी है तो हमने इसमें 4 इंजेक्टर्स यूज़ किए हैं। ये 4 इंजेक्टर्स हैं, ओरिजिनल वॉल्टेक कंपनी के इंजेक्टर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। जितनी भी वायरिंग है, 3 साल पहले भी हमारी जो फिटमेंट थी वो भी बहुत सेम, आज भी वही फिटमेंट मेंटेन है। जो आज हम फिटमेंट करते हैं 3 साल पहले भी सेम फिटमेंट थी। सारी की सारी वायरिंग जो है वो ट्रिपल लेयर है, जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे फॉलो करते हैं। ECM जो है बैक साइड में लगा हुआ है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं, जो इस कार के ओनर हैं, क्योंकि 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1000 दिन होते हैं, उससे भी ज़्यादा दिन होते हैं, तो इसकी जो माइलेज है वो हम इस कार के ओनर से पूछेंगे। छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के अंदर बैक स्पेस की प्रॉब्लम रहती है CNG किट लगने के बाद, तो इस गाड़ी के अंदर जो जिस तरीके से हमने इंस्टॉलेशन किया है तो वो आपकी प्रॉब्लम भी सारी दूर हो जाती है। हमने इस गाड़ी के अंदर नीचे का कारपेट एज इट इज़ यूज़ किया है। स्टैंड जिस तरीके से लगाया है, आप कितना भी इसमें लगेज रख सकते हैं, नीचे की तरफ लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं, यानी कि आपकी छोटी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आती थी वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। यहाँ सिलेंडर का वॉल्व लगा हुआ है, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कि हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन कैसा किया है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसका स्विच कैसे काम करता है, कैसा स्विच लगाया है गाड़ी के अंदर। तो जो स्विच आता है वो कहीं ना कहीं ECM का ही पार्ट होता है, तो हमने इस गाड़ी में बहुत बेहतरीन स्विच लगाया है। BRC की किट है तो राउंड स्विच आता है, GFI इसका ट्रेडमार्क है। बहुत प्यारा स्विच लग रहा है। डैशबोर्ड की तरफ देखने से अपने को पता लगता है कि गाड़ी 60,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है, और मुझे नहीं पता है कि जब इस गाड़ी में 3 साल पहले किट लगी थी तो कितनी चली हुई गाड़ी थी, वो इस कार के ओनर से पूछेंगे। फिलहाल गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल चुकी है और अब मैं चाहूँगा कि इस कार के जो ओनर हैं उनका भी एक फीडबैक लेके दूँ। तो सर इसी टाइम आपका स्वागत है। साहिल जी बहुत अच्छा लगा आप आ जाए, 3 साल पूरे हो चुके हैं आपकी, आपने गाड़ी की सर्विस भी कराई है। सर्विस भी कराई है सर। मैं हमेशा बोलता हूँ सर्विस भी आपने इसलिए कराई है क्योंकि जितना मुझे याद है साहिल जी, आपने 3 साल पहले मेरे पास बहुत दूर से चल के आए थे आप, राइट, दिल्ली शायद ईस्ट दिल्ली से आया था मैं। और आपको ये एरिया भी पसंद आया, हमारी वर्कशॉप भी आपको काफी ठीक ठाक लगी, बहुत बढ़िया। तो आपने यही घर ले लिया शायद? हाँ जी सर, यही घर लिया मैंने, ये दो गली पार ही, मतलब दो गली में। गाड़ी की सर्विस भी अब यही हमारे यहाँ होती है, क्योंकि इनका ये मानना था कि मैं एक ही जगह काम कराता हूँ, मैं फालतू की टेंशन लेना पसंद नहीं करता कि आधा काम यहाँ करा लिया, CNG आपके यहाँ लगवाई, सर्विस कहीं और कराई है। और सर गाड़ी के बारे में बताओ, गाड़ी आपकी कितनी चल चुकी थी जब आपने CNG लगवाई थी? सर ऐसा आई रिमेम्बर, जब मैंने CNG लगवाई 3 साल पहले तो 20,000 के अराउंड, 20,000 यानी 40,000 आपने CNG पे ड्राइव कर लिया है? कर लिया है। तो कैसी जर्नी रही है 3 साल की आपकी? है सर बहुत अमेजिंग रही है, बहुत अमेजिंग रही है। और मैं आपके पास एक्चुअली, मैंने आपको जो YouTube में आपका चैनल था, हाँ, तो मैंने वहीं से देख के आप यहाँ पर आया और मैंने आपसे जो फिटमेंट करवाई, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि
जो कोई भी इशू नहीं आया अभी तक सीएनजी। बढ़िया, आज तक एक भी रुपए का इशू नहीं आया, एक रुपए का इशू नहीं आया। और जो आपने एक वो पार्ट लगवाया था जो एडवांसर, एडवांसर जो शार्क बोलते हैं, शार्क बोलते हैं उसको, तो उससे भी मेरे पिकअप में जो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसकी माइलेज के बारे में थोड़ा सा आप बता पाएंगे? माइलेज आप पेट्रोल पे आपकी माइलेज, क्योंकि हुंडई लवर से पेट्रोल पे देखो मैं आपको बता दूं, टू बी ऑनेस्ट 11 या 12 की एवरेज देती है। हां जी हां जी, जो सिटी में। और जब से मैंने सीएनजी लगाई है तो गर्मी में, अब समर में लगा लो, एवरेज देती है 17 के आसपास, 17 निकाल देती है 18। वेरी नाइस। और अगर जो सर्दियों की बात करूं तो 20 21 के अराउंड मेरे को दे देती है एवरेज, और हाईवे में 26 भी जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका माइलेज काफी ज्यादा हाइक हो गया इसका। यस। और कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? कि i20 है, थोड़ा डरते हैं क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, इंजन छोटा है, 12 सीसी का इसका इंजन है, तो i20 एक शौक वाले बंदे ज्यादा रखते हैं, इनको शौक होता है बाइक का। मेरे को भी शौक था। हां, आपको भी शौक है राइट, बट फिर भी सीएनजी पे कतराते हैं कि शायद सीएनजी में वो परफॉर्मेंस निकल के ना आए। नहीं सर, वो पहले जैसी बात नहीं है, सीएनजी जो पहले सीएनजी आ गई थी, अब जो सीएनजी आती है वो बहुत एडवांस है, अब काफी एडवांस है राइट, तो उससे कोई पिकअप में कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को। और दोस्तों मैं यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हुंडई की गाड़ियों में खासकर आपको तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। आप गाड़ी की जब भी सर्विस कराएं, एक अच्छी क्वालिटी का आपको मोबिल यूज करना है, एक सर्विस छोड़ के अगली सर्विस पे आपको एडिटिव वॉल यूज करना है, एक अच्छा एडिटिव वॉल यूज करें, स्पार्क प्लग आप हर सर्विस में इसके चेंज कराएं, और स्पार्क प्लग भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्पार्क प्लग चेंज करा रहे हैं। अगर आपकी i20 गाड़ी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे i20 गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर हर सर्विस पे आप या तो रेडियम के प्लग डलवा सकते हैं, जो चैंपियन के रेडियम के आते हैं, या रेडियम के नहीं बोल रहे हैं तो एनजीके के प्लग डलवा सकते हैं, और इसकी कॉइल्स का, इसकी लीड्स का खास कर ध्यान रखना होता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी गाड़ी में कभी इशू नहीं आने वाला है। और अगर आपके पास कोई ठीक ठाक, जहाँ भी आप रहते हैं, कई बार दूर दूर से कॉल आती है, नज़दीक आप सीएनजी लगवाते हैं, यानी कि इतनी दूर ड्राइव नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।